Hello, my dear students. Today when we continue, the topic is electronic spectra, PC part 3, paper 1st in organic chemistry. We already talked about selection rule first, spin selection rule, checker chain niyam. Now we will talk about Laporte selection rule, Laporte chain नियम. पहले वाले नियम में हमने बात कर ली थी कि जब स्पिनिंग का अंतर दो कंडीशन हो रही है, दो एनर्जी स्टेट्स हम देखते हैं, दो एनर्जी स्टेट्स के बाद में मल्टीप्लिसिटी अगर हमारी इस प्रकार से जैसे कि बात करें 3P2G, 3T2G इस प्रकार से है, अगर दोनों हमारी सेम इस प्रकार से मल्टीप्लिसिटी है ऊपर की, तो वो अलाउड कंडीशन होता है, अनुमत संक्रमण कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का अनुमत संक्रमण होगा. लेकिन यदि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2s+1 या s अगर डिफरेंट डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो ऐसी कंडीशन में ये अनुमत नहीं होगा, नॉट अलाउड ट्रांजिशन होता है. ये क्या होगा? नॉट अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है. तो इस प्रकार से हम बात करते हैं फर्स्ट और फर्स्ट रूल जो है, सेम स्पिन या सेम मल्टीप्लिसिटी वलुप्ता होगी वो अलाउड होगा, अगर नहीं है तो वो नॉट अलाउड ट्रांजिशन होगा. सेकंड बात कर रहे हैं अपन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल. हमने इसमें देख लिया था कि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल जोर देता है इसके ऊपर, आपके समिति केंद्र के ऊपर. अगर समिति केंद्र इसमें उपस्थित है तो वो अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट नॉट अलाउड ट्रांजिशन है. समिति केंद्र सिमेट्री जो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है, अगर वो किसी में उपस्थित है तो वो हमारा नॉट अलाउड ट्रांजिशन होगा. यानी एक संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से या एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे हैं, यदि दोनों दो उस पे जो है उनके ऊर्जा स्तरों में या उसकी आपका अणु में या उसके आयन में समिति केंद्र उपस्थित है तो वो नॉट अलाउड ट्रांजिशन होगा. एक बात ये. दूसरी बात ये कि यदि दोनों का आपका ऑर्बिटल यानी कक्षक जो है समान कक्षक में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, जैसे कि डी से डी में, डी से डी में, पी से पी में, एस से एस में, अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन रूल अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है. इसी को हम अगर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में देखें, संक्रमण धातु संकुलों में अगर इस चीज की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि यदि हमारे पास अष्टफलकीय संरचना है संकुलों की या फिर चतुष्फलकीय संरचना है संकुलों की, उसके बारे में हमने पहले भी क्लास में देखा था, उसको और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से उसको देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हमने बात की थी कि यदि समिति केंद्र समिति केंद्र जो है उपस्थित है तो वो नॉट अलाउड होगा. और हम बात कर रहे थे कि यदि इसका अंदर पी से पी में ट्रांजिशन, डी से डी में ट्रांजिशन जो है हमारा नॉट अलाउड होता है, अलाउड नहीं होता. इसके लिए उन्होंने एक समिति केंद्र उपस्थित होता है, उसके लिए उन्होंने एक चीज की बात की थी, सम अवस्था और असम अवस्था. ये बात की थी हमने, देखा था सम अवस्था, इसको उन्होंने कहा गया इवन, और उनको एक क्रम का नाम दिया जाता है क्या, जिराडे, जिराडे. ठीक है, और दूसरा था ए सम अवस्था, पहले देख चुके हम, और उसको नाम अन इवन का आपने नाम दिया था, और उसको जो है एक टर्म यूज की जाती है क्या, अन जिराडे. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इस प्रकार से जिराडे टू जिराडे, जी टू जी ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, इसी प्रकार से अनजिराडे टू अनजिराडे ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, लेकिन जी दोनों के अंदर इस प्रकार से जी टू यू टू जी, जी टू यू अनजिराडे टू जिराडे, जिराडे टू अनजिराडे ट्रांजिशन अलाउड होता है, वो संक्रमण हमारे लिए अनुमत होता है. इसके बारे में अपनी यहां पर बात कर ली थी, और ये भी देख लिया था कि जी किसमें पाया जाएगा और जिसमें किसमें पाया जाता है, उसके बारे में आपने देख लिया था कि जो एस ऑर्बिटल हैं
वो एस ऑर्बिटल हमारा समिति केंद्र से उपस्थित होता है, इसलिए वो एस ऑर्बिटल जिराड़े प्रकृति का होता है, जिराड़े अवस्था में उसको देखा जाता है। इसी तरह से पी ऑर्बिटल जो है वो हमारा क्या होता है, अनजिराड़े, ठीक है। इसका हाँ, टी ऑर्बिटल क्या होता है, वापिस से जिराड़े आया होता है। तो लैपोर्ट कहना चाह रहा है कि डी से डी मेटाबॉलिज्म यानी जो सी एफ टी कहती है, सी एफ टी का अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्पीड आते हैं, हम देख सकते हैं पी टू जी और ई जी। जब हम बात कर रहे हैं क्या अष्टफलकीय संरचना, तो अष्टफलकीय संरचना में का आंसर अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सबसे रूल पी टू जी से जो इलेक्ट्रॉन इसमें अगर भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमारे ई जी में ट्रांजिशन होगा, वो यहां से पी टू जी से ई जी में ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट नॉट अलाउड है, अनुमत नहीं है, निषिद्ध है, ठीक है। तो कारण क्या बताया उन्होंने, क्योंकि ये काम जो है ये दोनों ही डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए डी से डी में ट्रांजिशन नॉट अलाउड। अष्टफल की संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अष्टफल की संरचना में जो एग्जाम्पल अपन लेंगे उस एग्जाम्पल का थोड़ी समझेंगे, उससे पहले थोड़ी सी चीज अपन देखना चाह रहे हैं, वो क्या है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो अवशोषण अवशोषणांक है वो अवशोषणांक किस प्रकार से कौन सी टर्म यूज की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जो है थोड़ा डिटेल में चलेंगे। इससे पहले अपन वापस से रन करते हैं किसके ऊपर, जिराइड वन जिराइड देख लिया अपन ने, और इस प्रकार से डी से डी ट्रांजिशन जो है सी एफ की थ्योरी यहाँ पर क्या करती है, फेल है, ठीक है। सी एफ की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है कहता है ट्रांजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे डी से डी में ट्रांजिशन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल पते नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं कि इसलिए अपना Mn Mn H2O6 2 plus how many electrons there, हम जानते हैं कि Mn H2O6 के अंदर 2 plus अगर ऑक्सीजन अवस्था इसकी Mn 2 plus ऑक्सीजन अवस्था है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाएंगे, बताइए कितने बार पाता है, ये होता है हमारे पास D5 सिस्टम, D5 H2, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, पांच इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर उपस्थित हैं, फिर भी ये जो है हमारा कलर्ड कंपाउंड नहीं होता है, यानी ये रंगहीन होता है, कलर लेस होता है, कलर लेस कंपाउंड। कारण क्या है, कारण लैपोर्ट सिलेक्शन रूल का कंडीशन का नॉट अलाउड होना, यानी लैपोर्ट सिलेक्शन रूल यहाँ पे फायर फॉलो नहीं करता है अष्टफलकीय संकुलों में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस प्रकार की जो है कलर लेस कंपाउंड है, यहां तक कि हालांकि यहां पे पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये हमारा रंगहीन कंपाउंड है। कारण क्यों है, कारण ये है कि यहां पे लैपोर्ट सिलेक्शन रूल नॉट अलाउड, ठीक है, डी से डी में ट्रांजिशन नॉट अलाउड, ठीक है। अगर इसी तरह से हम दूसरी चीज की बात करें, जैसे MnBr4 उसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अब ये अष्टफलकीय था, अब चतुष्फलकीय का एग्जांपल मैं लेता हूं, चतुष्फलकीय एग्जांपल में देखिए क्या देखना चाह रहा हूं मैं, MnBr4 टू माइनस माइनस ना लिख करके हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि टू माइनस अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा एम एन यहाँ पे भी क्या है बताइए, एम एन टू प्लस ऑक्सीजन अवस्था में है, यहाँ पे भी पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और फिर भी जो है ये जो है कलर कलर लेस है, कलर लेस कंपाउंड है, और ये जो कलर्ड कलर्ड कंपाउंड रंगीन कंपाउंड और ये रंगहीन है, रंगहीन कंपाउंड, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही ऑक्सीजन अवस्था सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है कि इसमें छह है इसमें चार है, चार लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ, कारण ये रहा कि जो MnH2O6 था वो MnH2O6 के अंदर समिति केंद्र इसके अंदर उपस्थित होता है, और वो समिति केंद्र उपस्थित होने के कारण
हमें जो है समिति केंद्र इसमें पाया जाता है और इसमें समिति केंद्र नहीं है। समिति केंद्र केंद्र टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं पाया जाता है। सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बट द सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इफ द लिगेंड्स आर सिमिलर। Therefore, we can Laporte's Russian rule says that if the any compounds have the symmetry, center of symmetry, it is not allowed transition. Yeah, it is shows not allowed transition. Therefore, the MnH2O6 is colorless, then MnCr4 2- is colored compound. Okay, this is the main point of Laporte's selection rule. आगे चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं अपन। और एग्जांपल अपन बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लैपोर्ट सिलेक्शन रूल जो है वो कहता है कि सेम से सेम में जिराइड से जिराइड में अनजिराइड से अनजिराइड में ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, तो ये एक चीज और बताता है कि लैपोर्ट चयन नियम के अनुमत संक्रमण का अवशोषण उच्च होता है। लैपोर्ट चयन नियम से अनुमत संक्रमण का जो अवशोषण होता है वो उच्च कोटि का होता है और अवशोषण उच्च कोटि का होने के कारण वो विजिबल रीजन के अंदर चला जाता है और विजिबल